सो है गाइज, नए वीडियो में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे टेक क्लब चैनल पर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊं कि आप लोग अपने फ़ोन पे ऐप को जब ओपन करके बैलेंस चेक करते होंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा, जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और गाइज, जब आप किसी को पैसे भी भेज रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊँ कि इस प्रॉब्लम को आप लोग जन कैसे ठीक कर सकते, जो ये रॉन्ग UPI पिन लिखा हुआ आ जाता है और बोलता है इसमें 24 आवर मतलब 24 घंटे के बाद ही आप लोग इसे ठीक कर सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में जो आप लोग को बताऊंगा ना, बस आप लोग 1 मिनट के अंदर जन अपना फोन पे का UPI पिन होता है उसको ठीक कर लोगे। तो गाइस, वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो गाइस, फोन पे के इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप लोगों को जो है सबसे पहले पूरा बैक हो जाना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से अपना फोन पे को जहाँ भी होता है उसको खोज के ओपन कर लेना। जैसे कि मेरे फोन पे दे रखा है यहाँ पर, तो इसको मैंने खोल लिया ओपन करके। और उसके बाद सिंपली आप लोग को जो चेक बैलेंस वाला ऑप्शन होता है इसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे आप लोग चेक बैलेंस पर क्लिक करते हो, अपना जो भी बैंक अकाउंट होता है उसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बोलेगा UPI देने के लिए। तो आप लोग को जो भी UPI होता है, मैंने पहले अपना एक बार UPI देके यहाँ पर देखो आप लोग को दिखाता हूँ कि काम ही नहीं करेगा। ठीक, जैसे कि मेरा UPI 2 और 25, फिर 2 और 25 रिपीट है, तो मैं इसको दे दिया। और उसके बाद मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखो क्या बताएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि फिर से वही चीज़ सेम आ रहा है जबकि मैंने अपना पासवर्ड दे दिया। तो यहाँ पर देखो अब क्या करें, यहाँ पर 24 आवर मतलब 24 घंटे के बाद आप लोग जो है अपना पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो या फिर दूसरा पासवर्ड बना सकते हो फ़ोनपे का। मतलब यहाँ पर रॉन्ग UPI पिन हो रहा है। ये इसलिए होता है कि आप लोग जब गलत पासवर्ड अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पर इस तरह की दिक्कत आती है। सो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ जो है ना रिसेट UPI पिन, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोग को जो है यहाँ पर जो बोलेगा अपना ATM कार्ड का जो लास्ट का 6 डिजिट मतलब 6 नंबर जो लास्ट का सिर्फ वहाँ पर दे देना आप लोग को। और उसके बाद नीचे में मंथ और ईयर जो एक्सपायरी डेट होता है ATM कार्ड का वो यहाँ पर दे देना है। तो सिंपली मैं इस चीज़ को पहले भर लेता हूँ आप लोग को, फिर बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना ATM का जो लास्ट का 6 नंबर होता है वो यहाँ पर दे दिया। और उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर मंथ और ईयर, तो ये भी आपके ATM कार्ड के नीचे में लिखा रहता है जस्ट, तो यहाँ पर दे देना। जैसे मेरा 5 और 2024 तक है, तो उसके बाद सिंपली प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना। जैसे प्रोसेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग को बोलेगा कि एंटर 6 डिजिट बैंक OTP, ठीक ना। तो उसके बाद सिंपली आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा, जैसे कि आ गया OTP और ये ऑटोमेटिक रजिस्टर भी हो गया। ठीक, तो सिंपली उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि सही वाले पर क्लिक कर देना जब ये चीज़ हो जाए। तो उसके बाद आप लोग को बोलेगा कि सेट 4 डिजिट UPI पिन, मतलब आप लोग को 4 डिजिट का जो आप UPI पिन बनाना है। अगर आप लोग को बोल रहा होगा 6 डिजिट का तो आप लोग 6 डिजिट का बना लेना। तो मैं फिलहाल मेरे में 4 डिजिट का बोल रहा है UPI पिन बनाने, तो मैं अपना यहाँ पर एक UPI पिन बना लेता हूँ जैसे 24 और 26। ठीक, आप लोग को फिर से सही वाले पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बोलेगा कन्फर्म के लिए आप लोग फिर से, अब जैसे कि मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। जैसे कि बोल रहा है कि 4 डिजिट का जो आप लोग को फिर से UPI पिन देना है आप लोग को, तो मैं यहाँ पर देता हूँ 24 और 26। तो ये हो चुका है, उसके बाद आप लोग को सही वाले पर टिक कर देना। जैसे आप लोग सही वाले पर टिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि UPI पिन सक्सेसफुली सेट, यानी कि आपका जो पिन है ना वो अब चेंज हो चुका है और वो सेट हो चुका है नया वाला। ठीक, तो आप लोग जो भी UPI पिन बना आप लोग को फिर से क्या करना है, आप बैलेंस चेक करना है। तो मैं सिंपली बैंक पर क्लिक किया हूँ, अब मैं अपना UPI पिन देता हूँ 2426। फिर उसके बाद सही वाले पे क्लिक करूंगा तो देखना यहाँ पर मेरा बैलेंस जो है वो अब बता देगा। ठीक, तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मेरा जो UPI का प्रॉब्लम था, दिक्कत था, वो ठीक हो चुका है अपना फोन पे के अंदर। सो आई होप कि आप लोग के लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको और भी इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आगे मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।